नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। आज है सोमवार और आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रत्येक सोमवार को छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने 24 फरवरी तक के साप्ताहिक करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 25 फरवरी से लेकर आज तक यानी कि 2 मार्च तक के छत्तीसगढ़ के जितने भी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख टॉपिक हैं उन सबका यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने CGPSC मेंस प्रोग्राम से नहीं जुड़ा है, चाहे वो पहली बार तैयारी कर रहे हों, शुरुआत कर रहे हों या मेंस लिखने वाले हों, सबके लिए CGPSC मेंस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन कम्युनिटी से जुड़िए, वहाँ पर उत्तर लेखन का अभ्यास कीजिए, उसके बाद एनालिसिस वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हो। डिस्कशन कम्युनिटी से कैसे जुड़ना है, उत्तर लेखन का अभ्यास कैसे करना है, ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहाँ जो वीडियो दिया हुआ है उस वीडियो को देखकर वहाँ से आप लोग सीख सकते हो कि कैसे उत्तर लेखन का अभ्यास करना है और कैसे डिस्कशन कम्युनिटी से जुड़ना है। ठीक, और करेंट अफेयर के सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग करेंट अफेयर का सीरीज़ चलाने वाले हैं। सबसे पहला आपका छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक करेंट अफेयर जैसे पहले मिला करता था वैसे मिलेगा। क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स भी एनालिसिस करेंगे, हर तरीके से छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश किया जाएगा यहाँ पर और ये पूरा कंसिस्टेंसी मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल करेंट अफेयर में भी मैंने आप लोगों को भरोसा दिलाया था कि पूरी तरह से नेशनल करेंट अफेयर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसके अलावा एक बात और आप लोगों से बोली गई थी कि जो भी ऐसा कुछ टॉपिक जो उसी समय आया और बहुत न्यूज़ में है और बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग ब्रीफ में वहीं पर डिस्कस कर लिया करेंगे। ये सीरीज़ भी शुरू होने वाला है और वेबसाइट पर कंटेंट भी बहुत जल्द करंट अफेयर का शुरू हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये समझिएगा कि ये करंट अफेयर जो हम लोग डिस्कस करते हैं आपके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो डिस्कस किया जाता है आपका CGPSC प्रीलिम्स, CGPSC मेंस, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा व्यापम के अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं या हो रहा है उन सब के लिए ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूँगा इसलिए ध्यान से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसलिए ध्यान से सारे वीडियोस को देखा कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए और लास्ट में वीडियोस को लाइक किया कीजिए, दोस्तों तक शेयर किया कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो में हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया था सबसे पहले उसके आज क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश में की? ऑप्शन है आपके सामने कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर जापान। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि मेला 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपके सामने धमतरी, बेमेतरा, जगदलपुर या फिर रायपुर। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा किस सिंचाई परियोजना हेतु 891 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? केलो सिंचाई परियोजना, बांगो सिंचाई परियोजना, हसदेव सिंचाई परियोजना या फिर गंगरेल सिंचाई परियोजना। और इसके बाद लास्ट का क्वेश्चन है, राजिम माघी पुन्नी मेला 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया? ऑप्शन है 9 फरवरी से 21 फरवरी, ऑप्शन बी है 12 फरवरी से 25 फरवरी, 13 फरवरी से 26 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 15 फरवरी से 29 फरवरी। चारों क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। अटेम्प्ट कहाँ करना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। लेकिन इससे पहले एक काम आप लोगों को करना है कि अगर अभी तक आपने पिछला छत्तीसगढ़ वाला करंट अफेयर वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाला पहला वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा जिसमें हमने 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक के करंट अफेयर को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में यहाँ पर देखिए जो इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर सारे टॉपिक्स लिख दिया गया है। मैं आपको ये भी बताते चलूँगा साथ साथ में कि कौन सा टॉपिक आपके कौन से मेंस के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर वो मेंस से रिलेट करता हो तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है ये है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके जो डेटा मैं बताने वाला हूँ जब नक्सल समस्या से संबंधित आपसे मेंस में एसी के लिए पूछा जाता है पेपर नंबर 2 और पार्ट 2 में, तो वहाँ पर इस डेटा का आप इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर पेपर नंबर 5 पार्ट 1 में जो छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वहाँ पर अगर ग्रामीण विकास से बात संबंधित बात की जाती है तो भी आप यहाँ पर इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा ये टॉपिक आपका कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। पेपर नंबर 2 एसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर नंबर 5 में पार्ट 1 में आप छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक्स में इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कॉन्टेक्स्ट देखिए, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ में मनरेगा इंप्लीमेंट है नक्सल प्रभावित जिलों में वहाँ पर इसने बहुत अच्छा काम किया है मनरेगा ने। कैसे,
जो नक्सल प्रभावित जिले हैं वहाँ पर जो मनरेगा के तहत में लक्ष्य दिया गया था, लक्ष्य कौन से ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 के लिए, उसके विरुद्ध इसने 100% रोजगार सृजन का काम किया है मनरेगा ने। यानी कि जितना टारगेट दिया गया था उससे कहीं ज़्यादा रोजगार सृजन किया गया है इन जिलों में, और आप इसे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मान सकते हो इस क्षेत्र में नक्सल की समस्या को ख़त्म करने के लिए। अब आंकड़ा देखिएगा, जो मुख्य प्रभावित जो नक्सल एरिया है बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये छत्तीसगढ़ में जो मनरेगा इम्प्लीमेंट है उसमें रोजगार सृजन के मामले में 100% रोजगार उपलब्ध करवाया गया है बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। ये फर्स्ट नंबर पे है छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के मामले में, ये सेकंड नंबर पे है, ये फिफ्थ नंबर पे है। इसके अलावा अन्य अगर हम जिलों की बात करें तो बालोद, जसपुर और रायपुर में भी 100% रोजगार सृजन हुआ है अपने लक्ष्य की तुलना में 2019 और 20 के लिए। इसके अलावा रामानुजगंज और बलरामपुर में भी अपने लक्ष्य की तुलना में 100% रोजगार सृजन किया गया है मनरेगा के तहत। तो इसका आंकड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हो किस प्रकार गरीबी को खत्म करने के लिए, या फिर गरीबी उन्मूलन के लिए, या फिर नक्सल प्रभावित जिलों में रोजगार उत्पन्न करके, नक्सल प्रभावित जिलों में रोजगार उत्पन्न करके नक्सलवाद को खत्म करने के लिए किस प्रकार से मनरेगा कारगर साबित हो सकता है, इन आंकड़ों का आप वहां पर एग्जांपल देकर लिख सकते हो। ठीक है, अब हम यहां पर थोड़ी सी बात मनरेगा की भी कर लेते हैं कि मनरेगा है क्या, क्योंकि कई बार इससे पहले मैंने डिस्कस किया तो मनरेगा के बारे में बताया है, लेकिन मनरेगा ग्रामीण विकास के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है। इसीलिए जब भी अगर ग्रामीण विकास की बात हो तो मनरेगा को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एक डेटा यहाँ पर और मेंशन कीजिएगा कि पूरे भारत में मनरेगा के तहत रोजगार सृजन करने के मामले में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है अगर राज्यों की बात करें तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात मनरेगा की कर लेते हैं। तो मनरेगा का पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसे भारत सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 यानी कि 2005 में जब यह अधिनियम बना तो ये नरेगा के नाम से जाना जाता था, और ये नरेगा 2010 तक चला, और 2010 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी जी के नाम पर। और मनरेगा की अगर हम लोग बात करें तो मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला यह विश्व का पहला सामाजिक योजना है, यानी कि एक गारंटी देता है कि आपको 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों का, और अगर वो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए 150 दिनों की रोजगार की गारंटी प्रदान करता है मनरेगा। तो मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी अगर ग्रामीण विकास की बात हो तो मनरेगा का जिक्र करना मत भूलिएगा। मनरेगा के जो रिसेंट के डेटा है उसका वैल्यू एडिशन करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसके बाद देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है देश की पहली नालसा विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया गया है, जो देश का पहला लीगल एड हेल्पलाइन नंबर होगा, और इस हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत किया गया है कहाँ, रायपुर जिला न्यायालय में। हेल्पलाइन नंबर लिख लीजिएगा 1500, रायपुर, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, रायपुर के जिला न्यायालय में देश का पहला लीगल एड हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर का काम क्या होगा, अगर आप किसी प्रकार से कानूनी सहायता लेना चाहते हैं या कानूनी विचार विमर्श करना चाहते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं रायपुर जिला न्यायालय से, और ये पूर्णतः निःशुल्क होगा, यानी कि इसके लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। और इसको जारी किसकी तरफ से किया गया है, नालसा की तरफ से किया गया है। नालसा बहुत इंपॉर्टेंट है, नालसा के बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को नालसा के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले नालसा का फुल फॉर्म समझ लीजिए। नालसा का फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसे कि एक एक्ट के तहत में बनाया गया था। वो एक्ट कौन सा था, उस एक्ट का नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987। इस एक्ट के तहत में नालसा का गठन किया गया था, और नालसा का काम क्या होता है, यह कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करने का काम करता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, राज्य स्तर पर भी होता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा देश का पहला लीगल एड हेल्पलाइन रायपुर जिला न्यायालय में स्थापित किया गया है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होगा, जो कि अगर आप लीगल सहायता लेना चाहो तो यहां से ले सकते हो, और इसे नालसा की तरफ से जारी किया गया है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आपका व्यापम हो चाहे
कोई सा भी छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम हो या फिर ये टॉपिक आपके नेशनल लेवल के एग्ज़ाम भी हो तो वहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो दो हमारा टॉपिक होगा ये दोनों आपका पेपर नंबर 5 पार्ट 1 जहाँ पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो बात की गई है उससे रिलेटेड होगा, जिसमें सबसे पहला हमारा ये टॉपिक है तीसरा अनुपूरक बजट 2019-20 यानी कि थर्ड सप्लीमेंट्री बजट 2019-20 के बारे में है। अब यहाँ पर देखिए, अभी आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है जिसकी शुरुआत कब से हुई है, 24 फरवरी से। ठीक, अब 26 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा एक अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा गया जिसको कि पास भी कर दिया गया विधानसभा की तरफ से। ये अनुपूरक बजट का जो रकम था वो था 1,625,65,61,600 रुपये का। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तीसरा अनुपूरक बजट ध्यान में रखिएगा। और इस तरह से फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 के लिए छत्तीसगढ़ का जो टोटल बजट हो गया वो आपका हो गया 1,06,413 करोड़ रुपया। जब सेकंड सप्लीमेंट्री बजट बढ़ाया गया था 4,000 समथिंग का, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था। लेकिन इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डेटा मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ध्यान से रखना। जब यहाँ पर अनुपूरक बजट से संबंधित जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे थे, जब इसका प्रस्ताव लाया गया, तो मुख्यमंत्री की तरफ से एक वक्तव्य में कहा गया आंकड़ों के आधार पर कि जितना भी छत्तीसगढ़ का बजट है उस बजट का विकास के कार्यों में व्यय करने के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल है। फिर से सुनिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का जो बजट है उस बजट में विकास कार्य करने में छत्तीसगढ़, विकास कार्यों पर व्यय करने में छत्तीसगढ़ राज्य जो है पूरे देश में अव्वल है। छत्तीसगढ़ का जितना भी बजट है उस बजट का 77.8% खर्च अपने बजट का राज्य सरकार विकास कार्यों पर कर रहा है, ये कह रहा है RBI रिपोर्ट 2019 और 20 के अनुसार। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये डेटा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप इसका मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर तीसरे अनुपूरक बजट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो इस बजट का खर्च किया जाएगा, इस बजट का खर्च जो होगा वो प्रदेश में किसानों, महिलाओं एवं बच्चों सहित सभी वर्गों के लिए इनके हित में प्रावधान किया गया है, जिसमें से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक मोटा मोटी मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ जिसमें सबसे मैक्सिमम खर्चा किया जाएगा। इसके अलावा सभी राशन कार्डधारियों के लिए शक्कर वितरण हेतु 202,97,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया है इस रकम में से, तीसरे अनुपूरक बजट में से। ठीक है, और कल है 3 मार्च, तो कल आपका छत्तीसगढ़ का बजट भी आने वाला है, उसका एनालिसिस भी हम लोग यहाँ पर ब्रीफ में करेंगे सारी चीज़ों को। देखिए, एक बात मैं फिर बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर ना हर एक पार्ट कवर हो जाएगा और साप्ताहिक करंट अफेयर सफिशियंट है। छत्तीसगढ़ में जितने डेटा आते हैं, जितने आंकड़े आते हैं, अगर आप साप्ताहिक करंट अफेयर को फॉलो करते चलो तो ये सफिशियंट होगा आपका छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होने वाले हैं सबके लिए, ये भरोसा है। और इसके अलावा आप लोग जो मंथली करंट अफेयर आता है उसको जरूर परचेज़ कीजिएगा, उसे अपने पास ज़रूर रखिएगा। ब्रीफ में डेटा होता है, ब्रीफ में कंटेंट होता है, ताकि आप उसे मेंस में भी अच्छे से यूज़ किया कर सको। उसमें एडिटोरियल्स भी होते हैं, आर्टिकल्स भी होते हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे राइटिंग के लिए कर सकते हो। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग साप्ताहिक फॉलो किया करो और सफिशियंट है साप्ताहिक इसका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसा मैंने बताया कि ये टॉपिक भी आपका पेपर नंबर 5 पार्ट 1 जहाँ पर छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी की बात की गई है वहाँ से रिलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो कि सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। इस आंकड़े का इस्तेमाल आप मेंस में बिल्कुल कर सकते हो। ये आंकड़ा क्या है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विधायक हैं अजय चंद्राकर, इन्होंने सदन में जो है विधानसभा सदन में एक सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ सरकार पर कितने करोड़ रुपए का कर्ज है। तो लिखित जवाब इसका दिया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से, लिखित जवाब यानी कि प्रमाणिक जवाब है। अब ये जवाब क्या था कि राज्य सरकार पर कितने करोड़ रुपए का कर्ज है, तो वर्तमान समय में 31 जनवरी 2020 तक राज्य सरकार पर जो है 57,848 करोड़ रुपये का कर्ज है। ये सरकार बताती है कि जब से हमारी सरकार बनी तब से लेकर अब तक, यानी कि 1 दिसंबर 2018 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक राज्य सरकार द्वारा
अलग अलग एजेंसी से 17,729 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है, जिसमें विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 16,400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया, नाबार्ड से 934 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया, इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से 395 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है इस 17,229 करोड़ रुपए में से। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड डेटा है 31 जनवरी 2020 तक के लिए, इसलिए इस डेटा का इस्तेमाल आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नगरनार स्टील प्लांट से रिलेटेड है, ये भी आपका प्रश्न पत्र 5 के छत्तीसगढ़ इकोनॉमी वाले पार्ट में आप इसको रिलेट कर सकते हो, या फिर प्रश्न पत्र 5 भाग 3 में छत्तीसगढ़ का जहां पर ज्योग्राफी है वहां पर भी इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टॉपिक क्या मैंने बोला, नगरनार स्टील प्लांट, इसकी शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो पूरी तरह से हम लोग नगरनार स्टील प्लांट के बारे में यहाँ पर जानते हैं, और जो आपका पूरा बस्तर वाला रीजन है वो उसके लिए, उसके विकास के लिए नगरनार स्टील प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्षेत्र का कायापलट हो सकता है इस स्टील प्लांट के जरिए, यहाँ पर बहुत सारे रोजगार सृजन होंगे, बहुत सारे यहाँ पर विकास के काम किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि नगरनार स्टील प्लांट का निर्माण किसकी तरफ से किया जा रहा है, तो ये NMDC की तरफ से किया गया है। NMDC का मतलब आप लोगों को पता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये NMDC का पहला स्टील प्लांट है। हालांकि लॉ आयस का उत्पादन NMDC करता है, लेकिन NMDC का खुद का कोई भी स्टील प्लांट नहीं था, तो नगरनार स्टील प्लांट NMDC का पहला स्टील प्लांट होगा। इसका लोकेशन क्या है, तो इसका लोकेशन है बस्तर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर, उड़ीसा के बॉर्डर पर जगदलपुर ब्लॉक में ही नगरनार नाम का स्थान है, वहीं पर इस स्टील प्लांट का गठन किया गया है। ये जो है स्टील प्लांट आधुनिकतम तकनीक, जिसको कि रोमेल्ट तकनीक के नाम से जाना जाता है, इस पर आधारित होगा, और इसकी आधारशिला जो है नगरनार स्टील प्लांट की 2003 में रखी गई थी, उस समय के भारत के जो उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी तरफ से 2003 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इस नगरनार स्टील प्लांट का क्षमता जो होगा वो 3 मिलियन टन सालाना होगा, यानी कि प्रत्येक साल ये 3 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो अभी वर्तमान समय में भिलाई स्टील प्लांट है उसकी क्षमता कितना है, 3.9 मिलियन टन पर ईयर, लेकिन एक योजना है इसको बढ़ाकर 6.9 मिलियन टन पर ईयर करने का। भिलाई स्टील प्लांट के बाद नगरनार स्टील प्लांट जो होगा वो प्रदेश का दूसरा सरकारी क्षेत्र का स्टील प्लांट होगा, ठीक है। पहला सरकारी क्षेत्र का स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट है, और दूसरा सरकारी क्षेत्र का स्टील प्लांट नगरनार स्टील प्लांट होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट का टॉपिक है बैंक सखी, और दूसरा यहाँ पर टॉपिक है टसर कृमि पालन। यहाँ पर जो बैंक सखी वाला टॉपिक है इसका इस्तेमाल आप पेपर नंबर 5 में छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी से भी कर सकते हो, और पेपर नंबर 6 में सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ से भी कर सकते हो, पार्ट 3 पेपर नंबर 6 में। तो आज इकोनॉमिक्स वाले पेपर के बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, चलिए। तो ये क्या है बैंक सखी 3000 का लक्ष्य, यहाँ पर देखते हैं। देखिए उससे पहले आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो कि अप्रैल 2013 से शुरू किया गया था, जिसको हम लोग बिहान के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी को समझ लेते हैं कि पूरा जो कंटेंट है इसी पर निर्धारित है। ये बिहान है क्या, तो 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया था, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया था। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सुन लेना, वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को शुरू किया गया था ग्रामीण विकास भारत मंत्रालय की तरफ से, और उसी के तहत में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको कि बिहान के नाम से जाना जाता है, अप्रैल 2000 शुरू में किया गया। इसका जो मेन उद्देश्य है ये स्व सहायता समूहों तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के BPL परिवारों के समुदाय को 8 से 10 वर्षों तक के लिए आजीविका उपलब्ध करवाया जाए। स्व सहायता समूहों की तरफ से गवर्नमेंट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट दे दिए, वो कुछ काम कर रहे हैं, तो इस तरह से उनको जो है आजीविका का संसाधन उपलब्ध करवाना
जो है राष्ट्रीय आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य है, उसी के तहत में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान कार्यरत है अप्रैल 2013 से। अब यहाँ पर देखो, बैंक सखी, जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया और जिसका कंटेंट या डेटा में यहाँ पर बैंक सखी क्या है, तो इस आजीविका मिशन के तहत में दूरांचल एरियों में या फिर वनांचल एरियों में वहाँ पर बैंक्स की सुविधा नहीं होती है, तो इसी के तहत में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत में बैंक सखी का गठन किया गया है। महिलाओं का एक समूह बनाया गया है जो कि दूर एरियों में जाकर गांव में वनांचल क्षेत्रों में बैंक की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ऐसे अभी बैंक सखी की संख्या जो है वर्तमान समय में प्रदेश में 1361 है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वनांचल क्षेत्रों में बैंक की सुविधा लोगों तक पहुंचाने के लिए बैंक सखी की संख्या अभी वर्तमान समय में 1361 है, लेकिन सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है अगले एक साल में 3000 नए बैंक सखियों को जोड़ने का, उन्हें प्रशिक्षित करने का। ये नंबर याद रखिएगा, एक साल का टारगेट है 3000 का, वर्तमान समय में 1361 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, टसर कृमि पालन। टसर क्या होता है? जिससे रेशम का उत्पादन किया जाता है। टसर एक कीड़ा है, तो इससे रिलेटेड क्या कंटेक्स्ट है, एक डेटा रिलीज किया गया है टसर कृमि पालन से संबंधित। देखो, ग्रामोद्योग के जो रेशम प्रभाग है उसकी तरफ से टसर यानी कि जो कीड़ा होता है उसको किसानों को वितरित किया जाता है, जो कोसा यानी कि रेशम का उत्पादन करना चाहते हैं उन किसानों को। तो छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के रेशम उत्पादन के लिए रेशम प्रजातियों का यूज़ किया जाता है यानी कि उपयोग किया जाता है, एक हो गया टसर और दूसरा हो गया मलबरी ककून, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार जो है टसर और मलबरी ककून के जो कीड़े होते हैं उन कीड़ों के समूह को किसानों को वितरित भी करता है, जिससे लक्ष्य रखा है छत्तीसगढ़ सरकार ने 32,320 किसानों को इससे लाभान्वित किया जाएगा, यानी कि टसर और मलबरी ककून के जो कीड़े होते हैं उनके समूहों को उनको वितरित किया जाए ताकि वो यहाँ पर लाभ कमा सके। और एक अनुमान है कि प्रत्येक फसल में 8,000 से लेकर 10,000 तक कोसा का उत्पादन किया जाता है और प्रत्येक फसल में किसानों को जो है 1,000 से लेकर 3,000 रुपये तक का आमदनी हो सकता है और एक फसल जो है 10 से 15 दिनों में तैयार हो जाता है। और इसका जो छत्तीसगढ़ में अगर वर्तमान उत्पादन की बात करें तो 881 लाख नग कोसा का उत्पादन किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी वाले पार्ट से वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो इस पेपर नंबर 5 पार्ट 3 में। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक था टसर कृमि पालन से संबंधित। इसके बाद दो टॉपिक और बच गया है, चलिए यहाँ पर अगला टॉपिक, इंडिया आयोडीन सर्वे। देखिए, हाल ही में रायपुर में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ पोषण कार्यक्रम और इंडिया आयोडीन सर्वे पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में एक आंकड़े प्रस्तुत किए गए, वो आंकड़ों का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कहीं भी अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कुपोषण से संबंधित, एनीमिया से संबंधित, तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर बात हो रहा था आयोडीन की, तो छत्तीसगढ़ में आयोडीन युक्त जो नमक होता है वो 93% घरों तक पहुँच है और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये आंकड़ा इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि मध्य भारत का छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां पर आयोडीन युक्त अच्छी नमक जो है 93% घरों तक पहुंच है और ये पिछले 1 से 2 सालों में 20% का यहां पर इजाफा हुआ है। तो इसीलिए आयोडीन युक्त नमक जो आप लोगों को पता है कि बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इस तरह से ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य भारत का पहला राज्य है जहां पर इतने परसेंट में जो आयोडीन नमक की पहुँच है। राष्ट्रीय औसत की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय औसत है 76.3%, यानी कि 76.3% घरों तक आयोडीन युक्त नमक की पहुंच है। तो ये एक छोटा सा डेटा है, लेकिन ये डेटा का इस्तेमाल आप कर सकते हो जहां पर भी अगर हेल्थ सेक्टर की बात हो या फिर हेल्थ की सुविधाओं की बात हो, तो इन चीज़ों को आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। पोषण से संबंधित अगर बात हो तो वहां पर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद लास्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन अभी हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाइक
एम्बुलेंस। ये जो न्यूज़ है आपका नारायणपुर से संबंधित है, ठीक है। ये न्यूज़ में इसीलिए है कि कुछ दिन पहले नारायणपुर में एक प्रयोग किया गया था। नारायणपुर आप लोगों को पता है पूरी तरह से वनांचल एरिया है, उस क्षेत्र में बहुत सारे दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो जब वहाँ पर कुछ हेल्थ इमरजेंसी हो जाता है तो वहाँ पर लोगों का हॉस्पिटल आने में बहुत देर हो जाती है। वहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाने की वजह से वहाँ पर मातृ मृत्यु दर भी वृद्धि हो रहा था। तो इसीलिए तो नारायणपुर जिला प्रशासन की तरफ से एक कदम उठाया गया, बाइक एम्बुलेंस। शुरुआत में 2 बाइक एम्बुलेंस से शुरू किया गया, उसके बाद जब ये सफल कारगर हुआ तो नारायणपुर जिले में अभी लगभग 4 बाइक एम्बुलेंस शुरू किया गया है जो कि दुर्गम इलाकों से यहाँ पर मरीजों को लाकर इलाज करवा रहे हैं। और अब तक लगभग 250 से ज़्यादा ऐसे मरीज हैं जिनको समय पर इलाज पहुँचाया गया। अगर समय पर इलाज ना मिलता तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था। और ये भी देखा गया है इस प्रयोग के बाद नारायणपुर में कि जो मातृ मृत्यु दर था उसमें काफ़ी गिरावट आया है। तो इस तरह से आप जब भी वनांचल एरियों की बात करें, वनांचल एरियों में सुविधा पहुंचाने की बात करें तो इस बाइक एम्बुलेंस का जिक्र जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल आज का 9 टॉपिक। इस हफ्ते के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इन सब का एनालिसिस किया गया है। इसके बाद बीच में आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में एक बजट एनालिसिस मिलेगा 102 दिन के बाद। पूरी तरह से उसमें अच्छे से एनालिसिस करूंगा कि बजट में क्या क्या चीज़ों का प्रावधान किया गया, कितने का बजट हर एक क्षेत्र को कवर किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर की सारी जिम्मेदारी हमारी है, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप पेशेंस के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़िए, ईमानदारी के साथ में पढ़िएगा, ईमानदारी के साथ में मेहनत करते रहिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगा और फल की इच्छा मत करिएगा। बस आप अपने लगन और मेहनत वो ईमानदारी से करते रहिएगा। इसके अलावा आप मेंस प्रोग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। आप अगर अभी तैयारी कर रहे हो तो भी मेंस प्रोग्राम से जुड़ो, वहाँ पर चीज़ें समझने की कोशिश करो कि है क्या, और जो मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए तो मस्ट ही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।